पतंजलि आयुर्वेद की ओर से भ्रामक विज्ञापन देने के मामले में आज 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव बालकृष्ण को फटकार लगाई। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट रामदेव और बालकृष्ण को फटकार लगा चुकी है। दोनों ने कोर्ट में माफी भी मांगी थी, मौखिक भी और लिखित में भी। सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामा अखबार में छपवाने को कहा था। पतंजलि ने कोर्ट को बताया कि 10 लाख रुपए खर्च कर 67 अखबारों में छपवा दिया है। इस पर आज कोर्ट ने पूछा कि क्या ये माफीनामा उतना ही बड़ा छपा है जितने बड़े उनके भ्रामक विज्ञापन थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज रामदेव के साथ साथ एलोपैथी डॉक्टर्स के संगठन IMA और केंद्र सरकार को भी लपेटे में लिया। सुनवाई के दौरान आज कोर्ट में क्या क्या हुआ, इसे समझते हैं विस्तार से। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने आज यानी 23 अप्रैल को पूछा कि आपने कहां विज्ञापन छपवाया है, इसकी क्या साइज है और इसमें इतना वक्त क्यों लगा। इस पर रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि माफीनामे का साइज उतना बड़ा नहीं था जितना विज्ञापनों का होता है, क्योंकि यह काफी महंगा होता है। हमने विज्ञापन नहीं माफीनामा प्रकाशित कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे कल क्यों दायर किया गया, इसे पहले किया जाना चाहिए था। अब बंडलों को नहीं देखा जा सकता। कोर्ट ने माफीनामा को 30 अप्रैल को देखने की बात कही। इस दिन की सुनवाई में भी रामदेव और बालकृष्ण को उपस्थित रहने को कहा गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में केंद्र सरकार से भी पूछा कि वो उन भ्रामक विज्ञापनों पर क्या कार्रवाई कर रही है जो शिशुओं, बच्चों और बुजुर्गों के खाद्य पदार्थों को बनाने वाली FMCG कंपनियों द्वारा दी जाती हैं। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि वो ये स्पष्ट कर देना चाहती हैं कि वे केवल पतंजलि के मामले को नहीं देख रही हैं। यह एक जनहित याचिका है और उपभोक्ता जनता के व्यापक हित में है। उन्हें पता होना चाहिए कि वे कहां जा रहे हैं, कैसे उन्हें गुमराह किया जा रहा है और इसे रोकने के लिए एजेंसियां किस तरह काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब नेस्ले इंडिया की एक ऐसे प्रोडक्ट में शुगर मिलाए जाने की रिपोर्ट आई है जो बेबी फूड यानी शिशुओं को खिलाई जाती है। जस्टिस कोहली ने कहा, हम जनता को धोखा नहीं देने दे सकते। अगर ऐसा हो रहा है तो भारत सरकार को सक्रिय होने की जरूरत है और इसके अंतर्गत आने वाले स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को भी। आप केवल यह कहकर कंधे नहीं उचका सकते कि मैंने शिकायत स्टेट अथॉरिटी को बता दी है और वो यह उनका काम है कि इस पर कैसे एक्शन लेना है। बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि उन्हें किन FMCG कंपनियों के खिलाफ शिकायत मिली और उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की है, यह जानकारी कोर्ट को दें। रामदेव और केंद्र सरकार के साथ साथ कोर्ट ने IMA को भी आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि IMA बताए कि उन्होंने अपने उन सदस्यों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जिन्होंने कथित तौर पर मरीजों को महंगी दवाओं का सलाह दिया। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, अंत में जब आप किसी पर उंगली उठाते हैं तो चार उंगलियां आपकी तरफ भी होती हैं। आपके एसोसिएशन में कई सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो गैर जरूरी महंगी दवाइयों का प्रचार करते हैं, समर्थन करते हैं। आपने ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, ये भी कोर्ट को बताइए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज रामदेव के साथ साथ केंद्र सरकार और IMA को भी लपेटे में लिया ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो सके। फिर चाहे वो कोई कंपनी हो जो भ्रामक दावा कर रही हो या फिर डॉक्टर्स हों जो महंगी या गैर जरूरी दवाएं लिख रहे हों। साथ ही सरकार से भी पूछा कि वो इस तरह की शिकायतों से किस तरह से निपट रही, ये भी बताइए। ये सब हुआ पतंजलि की ओर से दिए गए भ्रामक विज्ञापन के मामले की सुनवाई के दौरान। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस मसले पर भी कि क्या है पतंजलि का भ्रामक विज्ञापन का मामला और इस पर कब से सुनवाई चल रही है, क्या क्या हुआ इसमें अब तक। जुलाई 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। कहा था कि पतंजलि ने एलोपैथी के खिलाफ दुष्प्रचार किया है, भ्रामक विज्ञापन देकर झूठा दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई, कहा कि भ्रामक दावे वाले विज्ञापन बंद करो, नहीं किया तो जुर्माना लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश नवंबर 2023 में दिया था, लेकिन रामदेव नहीं रुके, विज्ञापन जारी रहे, एलोपैथी पर हमला बोलते रहे। कोर्ट के आदेश के अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और रामदेव और बालकृष्ण ने इसमें बयानबाजी भी की। इसके बाद IMA ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही जवाब भी मांगा कि कंपनी ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन क्यों किया और उनके खिलाफ क्यों ना अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। पतंजलि की ओर से अवमानना नोटिस का जवाब नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बालकृष्ण और रामदेव को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। 2 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में रामदेव और बालकृष्ण हाजिर हुए और उन्होंने कोर्ट में
माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने इस माफी को स्वीकार नहीं किया। दोनों को जमकर लताड़ लगाई। 10 अप्रैल को फिर से दोनों कोर्ट में हाजिर हुए, फिर से माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने फिर से फटकार लगाई। 16 अप्रैल को भी वही हुआ और अब 23 अप्रैल की सुनवाई में कोर्ट ने पूछा है कि आपने जो माफीनामा अखबार में छपवाया है, क्या उसका साइज भी उतना ही बड़ा है जितने बड़े आपके विज्ञापन हुआ करते थे। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। मामले में आगे जो भी अपडेट्स आएंगे, लोकमत हिंदी आप तक पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए लोकमत हिंदी।